यहाँ के मदरसों को लेकर नई सियासत शुरू हो गई है। वजह, मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाने वाला सिलेबस है। एनसीपीसीआर ने बिहार के मदरसों के सिलेबस पर सवाल खड़ा किया है। आरोप है कि मदरसों में गैर इस्लाम के खिलाफ कट्टरपंथ सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है और अब इस मामले में अजीब सी राजनीति भी हो रही है। हालांकि इन आरोपों की पूरी सच्चाई जानने के लिए जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आरोपों पर राजनीति और रियलिटी चेक देखिए हमारी इस रिपोर्ट पर। क्या हिंदुस्तानी मदरसों में चल रहा पाकिस्तानी एजेंडा? क्या मदरसों के जरिए कट्टरपंथ को दिया जा रहा है बढ़ावा? क्या मजहब के नाम पर रची जा रही है नफरत फैलाने की साजिश? ये वो सवाल हैं जो हालिया घटनाओं की वजह से उठ रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और अब बिहार। कभी मदरसों की मान्यता, कभी नियमों की अनदेखी, तो कभी सिलेबस के जरिए एजेंडा चलाने का आरोप। अप्रैल में यूपी के 16,000 मदरसों पर किसी भी बोर्ड से मान्यता नहीं लेने पर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में कल ही सरकार की तरफ से नियम के खिलाफ जाकर मदरसा संचालित करने पर कार्रवाई का आदेश जारी किया गया। तो अब बिहार के मदरसों में सिलेबस को लेकर तुष्टिकरण के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप लगाया है बाल संरक्षण आयोग के प्रमुख प्रियंत कानूनगो ने। बिहार के मदरसों में ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं जिसमें गैर इस्लामिकों को काफिर बताया गया। साथ ही मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले का भी आरोप है जिसकी जानकारी बिहार सरकार की तरफ से जारी नहीं की जाती है। सबसे गंभीर आरोप है कि मदरसे में पढ़ाई जाने वाली किताबें पाकिस्तान में पब्लिश होती हैं। इन आरोपों के साथ तालीमुल इस्लाम नाम की एक किताब को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं जिसके एक हिस्से में सवाल है कि अल्लाह को नहीं मानने वालों को क्या कहते हैं, जिसका जवाब काफिर बताया गया है। एक दूसरे सवाल में पूछा गया है कि अल्लाह को नहीं मानने वाले या एक से अधिक ताकतों को पूजने वाले लोगों को क्या कहते हैं, इसका जवाब भी काफिर या मुशरिक बताया गया है। मदरसों की किताबों में छपे ये सवाल खुद सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिहार में कट्टरपंथी ताकतें हिंदू विरोधी एजेंडा चला रही हैं? ऐसे में बिहार सरकार की फंडिंग से चलने वाले मदरसों के सिलेबस पर सवाल उठने लाजमी हैं। सवाल है कि क्या तुष्टिकरण की वजह से मदरसों में ऐसी तालीम दी जा रही है? बिहार के मदरसों में क्या तमीमुल इस्लाम नाम की वो विवादित किताब पढ़ाई जाती है जिसमें ये लिखा है कि गैर इस्लामिक लोग जो हैं वो काफिर होते हैं? इस मामले को लेकर के एक सवाल उठाया है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो, उन्होंने यह सवाल खड़ा किया है और उन्होंने बताया है कि इस तरह की किताबें बिहार के जितने भी सरकारी फंड से चलने वाले मदरसों हैं उनमें पढ़ाई जाती है। आरोपों की पूरी सच्चाई जानने के लिए जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। पश्चिम चंपारण के बगहा में चलने वाले एक मदरसा में जाकर हमने आरोपों का रियलिटी चेक किया। कि मदरसों में बिहार के कहीं भी कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिनमें ये जिक्र हो या फिर ये कहा गया हो कि जो लोग गैर इस्लामिक हैं वे काफिर हैं। ये साफ तौर पे इनका इस बात से इनकार है। वहीं जो बच्चे हैं उनसे भी हमने तस्दीक की, उनसे भी जानने की कोशिश करी। बच्चे भी जो छात्र हैं साफ तौर पे बता रहे हैं कि कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है, न पाठ्यक्रम में शामिल है, ना ही कोई अलग से उन्हें शिक्षा दी जाती है। वहीं जब बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान से सवाल किया गया तो उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इस आरोप को ही चुनौती दे डाली। या जानकारी कहीं से गलत हो गई हो उस पर आप अध्ययन करें, चिंतन करें, उसको स्टडी करें, देखें, ऐसी कोई बातें नहीं है। क्योंकि मदरसा में जो पढ़ने वाला निकलता है निश्चित तौर पर वो उसको उसकी व्यक्तित्व मानवता पहचान ली जाती है। वहीं आरजेडी ने भी इन आरोपों का खंडन किया जबकि बीजेपी इस मामले में जांच की बात कह रही है। 2005 के पहले एनडीए सरकार के पहले लालू राज्य में किताबें जरूर पढ़ाई जाती थी, लेकिन जब से एनडीए बिहार में शासन में आया है एनडीए ने हर मदरसे से इन किताबों को बंद करवाया है। अब इन मदरसों में दीन ईमान की किताब पढ़ाई जाती है, दीन ईमान धर्म की बात बताई जाती है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल है कि क्या पूरे देश में मदरसों को लेकर नए सिरे से जांच की जरूरत है या फिर सिलेबस और फंडिंग को लेकर सख्त कानून बनाने का वक्त आ गया है। प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।